गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम सब भी एकदम बढ़िया है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने लास्ट वीडियो पे इतना सारा हमको प्यार दिखाया और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो भी बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि आज भी बहुत सारी हमने एक्टिविटीज़ करनी है। और हाँ, आप में से काफ़ी लोग रजत को भी मिस कर रहे थे, और अब जब मैं शिमला जाऊंगी तभी मैं रजत के साथ वीडियोस बना पाऊंगी। एंड यस, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरी आंखें भी इसलिए थोड़ी थोड़ी सूजी हुई, रात को लेट सोई थी क्योंकि एडिट कर रही थी। और अभी हमको यहाँ से कहीं जाना है दूसरे आइलैंड पे, इसलिए हम सुबह जल्दी उठे हैं। यार, मैंने ना जैकेट अभी इसलिए पहना है बिकॉज़ यहाँ पे बारिश कभी भी हो जाती है। अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा रेनफॉल होता है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना आसपास चावल लोग बहुत ज़्यादा उगाते हैं बिकॉज़ बारिश इतनी है तो चावल अच्छे से उगेगी और अलग और बड़ा अच्छा सा चावल होता है यहाँ का। और आपको ये भी बता देती हूँ, इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे अर्थ को दो हाफ्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। हम जो इंडिया है हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और इंडोनेशिया सदर्न हेमिस्फीयर पे है। तो डिफरेंस ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, मेजर डिफरेंस जो अभी मैं देख पा रही हूँ ना, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी विंटर्स चल रही है और यहाँ पे देखो एकदम ऑपोजिट मौसम है। अभी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जहाँ हम स्नॉर्कलिंग करेंगे, उस आइलैंड का नाम मुझे पता नहीं, ये इसमें लिखा होगा ना कहाँ जा रहे हम, कहीं तो पहुँच जाएंगे, जहाँ पहुँचेंगे आइलैंड लैम्बोंगन। यार आपको खुद बोलना है, लैम्बोंगन तो कौन सा, क्या आइलैंड है? एक्सक्यूज मी, मेरे को ये चिट्ठा दिया गया है, इस पे लिखा गया। ओके, तो आई एम द लीडर फॉर दिस टूर। ओके दीदी, फॉलो मी। अप्पू जीजू वहां खड़े हैं। ओके, सेनोर लैम्बोंगन, मुझे दिख के भी पढ़ नहीं जा रहा सही से। अंदर से तो बस जैसा ही है। हाँ, क्लीन वाटर इस आइलैंड में। उठी हो ना, उस साइड से कहने ना, वो शाबाश, कम ऑन नैना, यू कैन डू। फिर उसके बाद चप्पल हाथ में लेना, पहले की सिर पे। अब कहाँ जाएंगे हम यहाँ से? यहाँ से लेके जाएगा अपनी स्पॉट पे, वहाँ से स्नॉर्कलिंग जाएंगे बोट पे। अच्छा। वहाँ स्नॉर्कलिंग करेंगे, फिर लंच है, फिर लंच के बाद मैनग्रोव्स में वो जो मछियारों वाली कश्ती नहीं होती, गोंडोला, उसमें बैठ के चप्पू वाली, उससे फिर मैनग्रोव के बीच में हम जाएंगे, फिर बस घर वापस। What is this? Seaweed. Wow. ये पता मम्मी क्या सीवीड है? जो हाँ, जो सुशी के बाहर हरा हरा होता है ना, वही तो मैं बोल रही हूँ। हाँ, कैसी है ना? हाँ, ये देखो, ये है ऐसा, देख कैसा है ये। हाँ, पेड़ जैसा, इसमें लाते होने ना ये। हाँ मम्मी, प्लांट ही होता है ये, समुद्र में जो प्लांट उगता है। What's your name? This one. Hello.
आपने इतने से बच्चे से कितनी उम्मीदें लगा दी, व्हाट्स योर नेम भी पूछ रहे हो। चलो वेट कर रहा है जल्दी। अभी अपनी चीजों से मम्मी पूछ रही है यहाँ से स्नॉर्कलिंग के लिए जाएगी, मुझे भी तो पता है पर कॉन्फिडेंस पूरा दिखा रही हूँ। थैंक यू। यू गुड स्विमर? नो, वेरी बैड स्विमर। व्हेन वी वेक hear the birds and see the sun, side by side our fears are done. हमारे पहली बार स्नॉर्कल डाले हाजी पिपी जाना पानी च मानता रे बीच पे है ना, यहाँ पे मानता रे फिश का नाम है शायद, है ना, मेंटा रे, तो वो हमको दिखी ब्लैक कलर की। मैं कैमरा ऑन करने में थोड़ी लेट होगी। अब देखती हूँ, चला जाना तो पड़ेगा ही, बट अब पूजी जो तो चले गए यहाँ से क्रॉस करके। अरे बिल्कुल कर सकते हैं, नीचे तो आओ, नीचे आओ। Yes, you know on snorkel? No, I don't know. Okay, we jump, everyone jump on that side here, yeah? Yeah, just tighten it for her. This is already tight, ma'am. Jump. 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 Take a leap of faith. Tired? ये floater है ना? नहीं ना, jump without this in the mouth. ताकि मुंह में ना, हाँ, पानी मुंह में ना जाए, फिर ले लेना. Come on, yes, you can do it. Leave her, leave her. जा सकते हो? ओके, यू रेडी? 1, 2, 3 और लंच होगा कुछ हो। और जो मेरे हाथ में थोड़ा सा कुछ हो रहा था एलर्जी जैसी, आई डोंट नो क्या था वो, जब मैं पानी में थी ना, पानी में, आई शुड से ओशन में थी ना जब मैं, तो फिर कुछ करंट सा लगा हाथ में और थोड़ी देर के बाद देखे छोटे छोटे से ब्लिस्टर्स होने लगे और अब शायद ये ठीक ही हो रहा है, बस रेडनेस ही तो है बट ठीक हो रहा है। ऐसे मिंथॉल का जैसा नहीं होता, कुछ अलग सा, कुछ अलग सा ही फील हो रहा है, बट आई गेस इट ठीक हो रहा है। खाने के लिए हमारा वेट कर रहे हैं और इसके बाद हम मैंग्रोव पे जाने वाले हैं। ओके आओ जी, खाओ जी, डॉक्टर साहब बैठो, जल्दी जाओ जी। हां ढूंढो कैसे वेज अंकल सारा वेज नहीं नहीं यू आर मेकिंग दिस फॉर सेरेमनी। ओके, अब हम आइलैंड टूर पे जा रहे हैं और यहाँ पे ना वाटरमेलन से कोकोनट वाटर इतने बड़े होते हैं कि मैं रोज एक एक तो पी रही हूँ एंड बाकी सब लोग आगे निकल गए और इतना सुंदर बीच पे आए हम। यू नो वेयर आर वी गोइंग? या ड्रीम बीच? नो, इट्स अ डेविल्स टियर। डेविल्स व्हाट टियर? ओह या कम। अच्छा चलो,
प्री वेडिंग इतना तो खतरनाक पानी आ रहा है ना, ऐसे एकदम से लहर आती है पीछे से, थोड़ा सा ओपनिंग है ना तो ऐसे बूम बूम करके ऊपर आ रहा है पानी। ये है वो ड्रीम बीच जिसकी मैं बात कर रही थी, बट आज इतना कुछ सुंदर सुंदर देख लिया कि ये बीच भी अब नॉर्मल सा लग रहा है। मोटू सा पकड़ लिया है भी। तो मैं बोल रही हूँ पी लो, तो कोई नहीं पीता तो फिर मुझे खत्म। हमने सोचा कि तेरी एनर्जी बहुत खत्म हो गई है तो तुझे एनर्जी की जरूरत है। आज का ट्रिप आएगा इतना ही होगा हमारा, बहुत एक्टिविटीज होगी सुबह से। अब हम वापस जाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि आपको कैसा लगा कॉमेंट करके। एंड सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। थकान का पता तो इसके फेस से ही लग रहा होगा, रेड हो गया टमाटर की तरह थक के। वो तो कुछ भी नहीं है, आपको पता है मेरी पीठ पूरी लाल हो चुकी है सनबर्न से। हे भगवान, मुझे पता ही था पहले दिन मैं ऐसे ही चलेगी बिना सनस्क्रीन लगाए। यहाँ तो पूरी बॉडी में सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, वरना तो सनबर्न हो जाएगा और हल्का हल्का सा जलता है वो भी। ये कौन सी दुनिया में हूँ मैं, हम छपाल से कब आए इधर। हंस के आ रही है, पहुंच गई वापस। अच्छा पता है मुझे, मुझे लगा फोटो ले रहे हो। और अच्छा होगा अगर तुम ये बिखरे हुए बाल बना लो अपने। वो तो ऐसा हो गया, अप्पू के पास गया मैंने, अप्पू मेरी वीडियो बनानी, मेरे को बढ़िया आएगा पानी के साथ। बाद में देखा मैंने उसमें सारी फोटो